हाय, मैं रना गोयल और आज मैं करने वाली हूँ iPad Pro की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। सो गाइस, मैंने इसको लिया था ऑफलाइन, 71,000 का है ये और डिस्काउंट्स के बाद ये हमें पड़ जाता है 65,000 तक का। और मैंने इसको ऑफलाइन लिया था तो मैंने स्टोर से ही इसकी एसेसरीज लाइक इसका कवर और इसका टेम्पर ग्लास वहीं से ले लिया था। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा टैब और ये है उसका बॉक्स। सो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं इसका कवर और टेम्पर ग्लास बाहर से ही ले आई थी, तो हमने पहले ही इसको खोलकर और इसके ऊपर टेम्पर ग्लास और कवर लगवा दिया था। तो मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आई थी। सो गाइस, सबसे पहले इस बॉक्स में आता है ये टैब, उसके बाद हमारे पास आता है ये मैनुअल, इसके अंदर दो एप्पल के लोगोस भी मिलते हैं हमें, और इसके अलावा हमें मिल जाता है ये चार्जर। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर सबसे पहले मैं आपको इसके कलर्स के बारे में बताऊं तो इसमें 2 कलर ऑप्शंस हैं, एक स्पेस ग्रे और एक सिल्वर। हमने जो ये टैब लिया है ये है स्पेस ग्रे कलर का। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले है 11 इंचेस और इसमें एक और ऑप्शन आती है 12.9 इंचेस की। ये जो स्क्रीन है ये है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और इसकी जो ब्राइटनेस है वो जाती है 600 निट्स तक विद 2K प्लस रेजोल्यूशन, और इसमें प्रोमोशन भी है और इसकी डिस्प्ले की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है इसकी, लैग कहीं पर भी नहीं होता है। तो अब अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें है एप्पल M1 प्रोसेसर, इसमें जो स्टोरेज है वो स्टार्ट होती है 128 GB वेरियंट से और इसमें है 128 GB वेरियंट, 256 GB, 512 GB स्टोरेज विद 8 GB रैम एंड 1 TB एंड 2 TB स्टोरेज विद 16 GB रैम। और अब अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी है 28.6 वॉट आवर की। अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं तो इसकी बैटरी 10 आवर्स तक चल जाएगी, पर अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर गेमिंग करते हैं तो बैटरी है वो 5 to 6 आवर्स तक चल जाएगी। और अब अगर हम बात करें इसके स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स काफ़ी लाउड हैं। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, और जो सेल्फी कैमरा है वो फेस आईडी में भी यूज़ होता है। और अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा आता है 12 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप आता है इसमें, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके फोटोज़ की। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऐसा फीचर है कि अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप कहीं साइड में मूव भी होते हैं ना, तो ये जो कैमरा है ये आपके साथ साथ मूव करता है और आपको बीच पे रखने की कोशिश करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये टैब खरीदना है तो मैंने इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।